नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप समझ ही गए होंगे कि थंबनेल देखकर कि आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। दोस्तों आपको कैसे फ्री में सिलाई मशीन दी जाएगी और आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन सी फार्म को आपको भरकर कहाँ पर जमा करना है, तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो लाऊं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप फ्री में सिलाई मशीन योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, आप फ्री में सिलाई मशीन कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक नई योजना आरम्भ की गई है जिसका नाम फ्री सिलाई मशीन योजना है। हमारे देश की महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा योजना आरंभ की गई है और इस योजना के द्वारा सरकार ने हमारे देश की आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन देने की बात की है। तो दोस्तों चलिए आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इन और फ्री सिलाई मशीन योजना जो चलाई गई है इसका उद्देश्य क्या है और फार्म को कहाँ पर ले जाकर जमा करना है, क्या सब करना है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप निराश्रित महिला हैं या विकलांग महिला हैं तो दोस्तों आपको यह जो फ्री सिलाई मशीन है यह तुरंत आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको सब करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्री सिलाई मशीन योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हमको बता दें कि इस योजना के उद्देश्य यह है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सिलाई मशीन दी जाएगी। और फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार का अवसर दिया जाए। और दोस्तों बता दें कि इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री चाहते थे कि महिला घर बैठे कमाई करके ठीक से अपना जीवन यापन या आत्मनिर्भर बन सकें। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगी। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत महिलाएं अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। दोस्तों ये तो हो गया उद्देश्य। अब आपको बताएंगे कि फ्री सिलाई मशीन योजना देने की पात्रता क्या है, कौन सी महिलाएं एलिजिबल होंगी इस फ्री सिलाई मशीन योजना में। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के अनुसार आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु यानी वर्ष उम्र 20 वर्ष कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष तक होना चाहिए, अन्यथा अगर इससे अधिक है या इससे कम है तो वह पात्र नहीं होगी इस योजना में। और दोस्तों बता दें कि इस योजना के अनुसार जो श्रमिक महिलाएं हैं अपने पति की उनके पति की जो आय है 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम उनका इनकम 1,20,000 रुपये तक होना चाहिए। और दोस्तों बता दें कि देश के आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं ही प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकती हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जैसे हम अभी बताए हैं कि इस योजना के अनुसार देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। दोस्तों ये तो बता दिए हम पात्रता, और आपको बताएँगे कि अगर आप इस फार्म को भरेंगे तो कौन कौन सी दस्तावेज लगाएंगे इस फार्म को भरने के लिए, और मैं यह फार्म भी दिखाऊंगा कि यह फार्म कैसा है और क्या क्या भरना है। तो सर चलिए आपको बता देते कि फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए दस्तावेज क्या लगेंगी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपका एक आधार कार्ड लगेगा, आयु प्रमाण पत्र लगेगा। आयु प्रमाण पत्र का है तो आप कुटुंब रजिस्टर या परिवार रजिस्टर का नकल भी लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र लगाएंगी, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड ही लगा सकती हैं या निर्वाचन कार्ड जो भी है आप लगा सकती हैं या पैन कार्ड लगा सकती हैं, जो भी भारत में इशू डॉक्यूमेंट है लीगल वह आप इसे लगा सकती हैं। अगर आप विकलांग महिला हैं तो आपको विकलांग जो प्रमाण पत्र होता है वो आप इसे अटैच कर सकती हैं। अगर आप विधवा महिला हैं तो उनका आप निरीक्षक विधवा प्रमाण पत्र एक होता है उसे आप लगा सकते हैं। समुदाय प्रमाण पत्र लगाएंगी आप, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। तो दोस्तों आपको ये सब फार्म को अटैच कर डॉक्यूमेंट जो अटैच करके आपको देना है और बताएंगे कि कहाँ पर जमा करना है आपको यह फार्म को। तो दोस्तों आपको बता दें कि आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF का लिंक दिया हूँ, आप उस PDF पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस फार्म को।
तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सा फार्म है और क्या क्या आपको लिखना है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह फार्म आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि एप्लीकेशन फार्म फॉर द फ्री सप्लाई ऑफ सेविंग मशीन्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट्स लिखा गया है, तो आपको क्या करना है कि इसके आगे जो दो बिंदी यहाँ पर दिया गया है इसके आपको अपना नाम लिखना है, मेल फीमेल यहाँ पर दिया गया है यानी जेंडर दिया गया है, तो आप फीमेल पर आप यहाँ पर लिख देंगे फीमेल। आपको अपना एड्रेस लिखना है, पूरा स्थाई पता लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी आपकी उम्र है डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप कोष्टक में अपना उम्र लिख सकती हैं, कास्ट लिख सकती हैं जो भी आप कास्ट से आती हैं। और यहाँ पर लिखा गया कि अंडर व्हाट रीजन द सेविंग मशीन्स रिक्वेस्टेड, आप क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं, क्यों आपको सेविंग मशीन चाहिए या सिलाई मशीन चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा गया कि अगर आप गरीब हैं तो आप यहाँ पर पुअर लिख सकती हैं या आप इसे ट्रिक भी लगा सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूट विंडो यानी आप विधवा महिला हैं तो लगा सकती है, डिजर्टेड वाइफ और हैंडीकैप यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ विकलांग महिलाओं के लिए है और यहाँ पर निराश्रित महिलाओं के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्रिक लगा कर भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एनुअल इनकम यहाँ पर दिया गया है, तो आपको जैसा कि बताएं कि आपको लगाना है आय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों जैसे आप फार्म को डाउनलोड कर लेते हैं और जैसे हम बताएं इस फार्म को कैसे भरना है, उसे आप भर कर आप मोबाइल नंबर आधार कार्ड को सभी अटैच करके सब लगा कर आपको करना क्या है, अब ये बात सुनिए ध्यान से, इसे ध्यान से ज़रूर सुनते रहिए क्योंकि सभी लोग तो जानते हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ मिलता है लेकिन कैसे मिलता है ये नहीं जान पाते हैं। तो हम आपको बता दें कि सारा डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको क्या करना है कि कार्यालय में भेजने होंगे, कौन सा कार्यालय में भेजना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें आपको जाना है ब्लॉक पर और ब्लॉक में यह फार्म को आपको जमा करना है, जो भी अधिकारी होंगे आपको इस फार्म को देना है और यह जो अधिकारी हैं उस फार्म को सत्यापित करेंगे और सत्यापित करने के बाद जो आपकी फार्म है उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। और जैसे आपका सब सत्यापित हो जाता है तो आपको फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि शिकायत दर्ज करने के लिए मैं आपको लिंक भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक दिया गया है कि आप अपना फीडबैक दे सकती हैं। और आपको बता दें कि सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर क्या कीजिएगा कि फीडबैक अपना दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे या नहीं लगे तो आप ज़रूर इसे यहाँ पर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो जानने के लिए देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।